हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने लेसन 8 द सर्कस पढ़ा था। इस वीडियो में आप लेसन 9 अ ग्रेट साइंटिस्ट जेसी बसु पढ़ेंगे। यदि आपने लेसन 1-8 कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो सभी लेसन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और लेसन 8 का लिंक आप यहां पर देख रहे हैं और आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी लेसन 8 को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, हैव यू एवर थॉट दैट ट्रीज एंड प्लांट्स आल्सो फील हीट एंड कोल्ड, सैड एंड प्लेजर? क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे भी गर्मी, ठंड, दुख और आनंद का अनुभव करते हैं? यू कैन फील इट स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू। आपको यह अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो सेंसिटिव लाइक अस। पेड़ और पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील होते हैं। दे हैव आल्सो लाइफ, उनके पास भी जीवन है। एन इंडियन साइंटिस्ट सर जेसी बसु डिस्कवर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक भारतीय वैज्ञानिक सर जेसी बसु ने पहली बार इसकी खोज की थी। सर जगदीश चंद्र बसु वाज बॉर्न एट माईमैन सिंह विलेज एट फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट इन ईस्ट बंगाल। सर जगदीश चंद्र बसु का जन्म पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले के मैमन सिंह गांव में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 30th नवंबर इन 1858। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था। हिज फादर श्री भगवान चंद्र बसु वॉज अ डिप्टी कलेक्टर। उनके पिता श्री भगवान चंद्र बसु डिप्टी कलेक्टर थे। श्रीमती सुंदरी देवी वाज हिज मदर, और श्रीमती सुंदरी देवी उनकी माता थी। एज अ चाइल्ड जेसी बसु लव्ड राइडिंग एंड रीडिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी। एक बच्चे के रूप में जगदीश चंद्र बसु को घुड़सवारी और बहादुरी और साहस की कहानियाँ पढ़ना पसंद था। एट द एज ऑफ 9 जेसी बसु वेंट टू कोलकाता फॉर हिज स्टडीज। 9 साल की उम्र में जगदीश चंद्र बसु अपनी पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। फॉर हिज हायर एजुकेशन ही वेंट टू इंग्लैंड। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। ही गॉट हिज बीएससी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1884। उन्होंने 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। आफ्टर रिटर्निंग टू भारत ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन कोलकाता यूनिवर्सिटी। भारत लौटने के बाद वे कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। बट ही हैड मोर इंटरेस्ट इन बॉटनी, लेकिन उन्हें वनस्पति विज्ञान में अधिक रुचि थी। ही बिगेन टू स्टडी द लाइफ ऑफ प्लांट्स, उन्होंने पौधों के जीवन का अध्ययन करना शुरू किया। ही इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ एंड वायरलेस, उन्होंने क्रेस्कोग्राफ और बेतार के तार की प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे हम वायरलेस भी कहते हैं। ही डिस्कवर्ड एंड प्रूव्ड दैट प्लांट्स फील, ग्रो एंड रिस्पॉन्ड, उन्होंने खोजा और साबित किया कि पौधे महसूस करते हैं, फील करते हैं, ग्रो मीन्स बढ़ते हैं, एंड रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया करते हैं। ही ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 23rd नवंबर इन 1937, उन्होंने 23 नवंबर 1937 को अंतिम सांस ली। वी आर ग्रेटफुल एंड प्राउड ऑफ हिम, हम उनके आभारी हैं और उन पर हमें गर्व है। अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं। प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड नो दियर मीनिंग्स। प्लेजर मीन्स खुशी या आनंद। डिस्कवर्ड मीन्स खोज की। करेज मीन्स साहस। क्रेस्कोग्राफ ये पौधों के जीवित होने का या पौधों की धड़कन सुनने का एक यंत्र है। थॉट, थॉट मीन्स विचार। राइडिंग मीन्स घुड़सवारी। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। वायरलेस मीन्स बेतार प्रणाली। सेंसिबल means समझदार। bravery means वीरता से। university means विश्वविद्यालय। respond माने प्रतिक्रिया देना। breathed his last, अंतिम सांस ली।
ग्रेटफुल यानी आभारी। नाउ कंप्रेहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स? आंसर, इट इज ट्रू अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स दैट ट्रीज एंड प्लांट्स आल्सो फील हीट एंड कोल्ड, सैड एंड प्लेजर। When was J.C. Basu born? Answer, J.C. Basu was born on 30th November in 1858. Where was he born? Answer, Sir, J.C. Basu was born at Mymensingh village at Faridpur district in East Bengal. Question, Who were his parents? Answer, His father, Sri भगवान चंद्र बसु एंड मदर सुंदरी देवी। व्हाट वाज हिज फादर? आंसर, हिज फादर भगवान चंद्र बसु वाज अ डिप्टी कलेक्टर। फ्रॉम वेयर डिड ही गेट हिज बीएससी डिग्री? आंसर, ही गॉट हिज बीएससी डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1884। व्हाट डिड ही इन्वेंट? Answer, he invented crescograph and wireless. Now, question number 2, say true or false. First, trees and plants are sensitive like us. True, Sir J.C. Basu was an English scientist. False, his father was a farmer. False, J.C. Basu was a professor of physics. True, J.C. Basu breathed his last in 1937. True. Now, word power. Question number 3. Use these words in sentences. In words ko hume sentence mein use karna hai. Heat. Plants also feel heat. Scientist. J.C. Basu was an Indian scientist. Courage. He loved Stories of courage and bravery. Invent. He invented crescograph and wireless. Proud. We are proud of him. Question number 4. Write the opposites of cold. Summer. Courageous. Discourageous. Or lazy. Sad. Happy. Loved. Hated, true, false. Now, question number 5. Who invented the following? Aeroplane, Wright Brothers. Radio, Marconi. Television, Philo Farnsworth. Electricity, Alexander Lodizin. Computer, Charles Babbage. Make nouns from, इन वर्ड से आपको नाउन बनाने। Strange, stranger. Riding, rider. Love, lover. Invent, inventor. ये तो था आपका चैप्टर 9, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 10 पढ़ेंगे। लेसन 10 है आपका बटरफ्लाई, यहाँ से आपकी यूनिट 3 शुरू होती है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।